सन की किंग, जिसने अपनी हवस को कंप्लीट करने के लिए अपने ही राज्य में से 10,000 लड़कियों को किडनैप कर लिया था। आज की हमारी मूवी द ट्रेजरस ये 2015 की कोरियन मूवी है। इस मूवी में हम जो चीजें देखते हैं आप इस पर बिलीव नहीं कर पाओगे, पर एक्चुअल में ये सब हुआ था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिए, जिससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। और बिना किसी देरी के मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और किंग के हमें दो इम दिखाए जाते हैं, संजय और साहोंग। संजय साहोंग का बेटा है। एक बूढ़ी औरत के पास आए हुए थे, उसे वो क्लॉथ लेकर जाते हैं। किंग के पास पहुँच कर उन्होंने किंग को बताया कि आपके मदर के क्लॉथ थे, उन्हें मारने से पहले ये यही पहन रही थी। किंग को बताते हैं कि आपकी मदर का मर्डर किया गया था। किंग का नाम योसान है। योसान ये बहुत ही सन की किंग है। ये अब बदले की आग में भड़क रहा था। इन दोनों से पूछता है ऐसा कर कौन सकता है। ये दोनों इनसे कहते हैं कि आपके दरबार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके खिलाफ हैं। अब इसके बाद सब लोगों को किंग मारने लग जाता है। जिन लोगों पर भी उसे शक था इन सबको उसने मार डाला। संजय और साहोंग इन्होंने किंग की आंखें खोली थी, इसलिए उन्हें प्रमोशन दिया गया। अब किंग का बदला पूरा हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं दो लड़कियों का इंटीमेट होने का ड्राइंग किंग बना रहा था। उसकी खुद की ही ड्राइंग उसे ज्यादा अच्छी नहीं लगी। यहाँ पर संग भी था, तो संग ने कहा कि मैं अपने नाम पर इसे साइन कर लेता हूँ, जिससे आपका नाम बदनाम नहीं होगा। संग जब अपने चेंबर्स में जाता है तो बहुत सारी लड़कियों को उसने बुलाया हुआ है। दो लड़कियों की किंग ने जिस पोजीशन में पेंटिंग बनवाई थी उसी पोजीशन में इन सबको इंटीमेट होने के लिए कहता है। यहाँ पर संग को बताया जाता है कि पैलेस में और एक नई लड़की आई हुई है, इसका नाम सीओ होता है। सीओ संग से आकर कहती है कि मुझे पता है कि कोई भी नई लड़की आती है तो आप उसे देखना चाहते हो। संग एक्चुअल में एक पर्टिकुलर लड़की को ढूंढना चाहता है जो उसे मिल नहीं रही। सीओ को देखता है और समझ जाता है कि ये वो नहीं है। सीओ बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि वो उसे रिझा सकती है। संग फिर उसके साथ एक गेम खेलता है। बहुत सारे दारू के पॉट्स उसने लाए हुए हैं। वो कहता है हर एक पॉट में फिनिश करूंगा, जब मैं फिनिश करूंगा तो मैं तुम्हारा एक आर्टिकल निकाल कर नीचे रखना है। संग दारू पीता गया और सीओ न्यूड होती गई। उसे नहीं लगा था कि संग इतनी सारी पी पाएगा, पर लास्ट तक वो पीता गया और सीओ को पूरा न्यूड होना था। इसके लिए वो मना करती है। संग इस पर बहुत चिढ़ जाता है। सीओ के सर पर ही वो अल्कोहल डाल देता है। संग के जब फादर वहाँ आए तो उन्होंने पूछा कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। वो संग को डांट रहे थे, पर संग कहता है कि क्या आपको पता नहीं मेरा ट्रांसफर हो चुका है। उसे बुरा लग रहा था, इसी वजह से ये सब वो कर रहा था। एक्चुअल में अब किंग अपनी सब जिम्मेदारियां छोड़कर पूरे किंगडम में घूमने वाला है। ऐसा करते वक्त जो भी लड़की उसे पसंद आती है उसके साथ वो इंटीमेट हो जाता है। एक दिन किंग को लगा कि उसके साथी पर वो ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकता। उसने डिसाइड किया कि उससे वो रेस करेगा। किंग ने कहा अगर मैं रेस जीत गया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, अगर तुम जीत गए तो तुम्हारी लाइफ स्पेयर हो जाएगी। ये रेस उन्होंने स्टार्ट की, पर इस रेस में किंग अपने घोड़ों से नीचे गिर गया। वहाँ कुछ बर्ड्स थे जिनसे वो डर गया था। उसने फिर ऑर्डर दिया कि इस किंगडम के सब बर्ड्स को मार दिया जाए। बहुत सारी घटिया चीजें प्रिंस ने की है, तो इसी वजह से वो डिस्टर्ब हो चुका था। उसे अब नींद भी नहीं आ रही थी। उसे कंफर्ट करने वाली सिर्फ उसकी एक कंक्यूबाइन थी, जिसका नाम था नॉक्सो। किंग अब रियलाइज करता है कि मरने से पहले उसका कोई बेटा हो। इसके लिए वो संग को एक ऑर्डर देता है। वो कहता है पूरे किंगडम में तुम जाओ, जो भी लड़की तुम्हें दिखे उन सबको तुम उठा लेना। एक बड़ा सा ऑर्डर उसने जारी किया था। रात में हम देखते हैं कि संग अपने एक फ्रेंड के साथ था। ये संग का फ्रेंड भी किंग के लिए काम करता है और इसका नाम था पार्क। पार्क संग से कहता है क्या तुम राजा के लिए अब ये सब काम करोगे। संग इस पर हर्ट हो गया। वो पार्क से कहता है तुम्हारी सिस्टर के साथ किंग इंटीमेट हुआ था। जिस आदमी ने तुम्हारी सिस्टर का रेप किया उसके लिए झुकने में तुम्हें कैसा लगता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किंग की जो कंक्यूबाइन है जिसका नाम है नॉक्सो, ये अपने खुद के लिए पावर चाहती है। अब पूरे किंगडम में किंग के लिए लड़की ढूंढी जाएगी। ये खुद किंग के लिए कोई सिलेक्ट करना चाहती है, इसके लिए वो सीओ को सिलेक्ट करती है। अगर किंग ने भी सीओ को सिलेक्ट कर लिया तो नॉक्सो पावर में आ सकती है। इसका प्लान बनाया जाता है। इसके बाद जैसा किंग का ऑर्डर है वैसा ही संग करता है। हर जगह से जाकर सब लड़कियां उठा कर लाता है। अब पूरे किंगडम में बहुत ही ज्यादा आक्रोश है। इनके पास अब बहुत सारी लड़कियों की लिस्ट आ चुकी थी। संग के फादर एक लॉर्ड को हेड करते थे।
उन्हें संघ को कहा कि उसकी लड़कियां भी तुम उठा कर ले आओ। जब संघ वहां पहुंचता है तो लॉर्ड गिड़गिड़ाता है कि प्लीज मेरी लड़कियों को मत लेकर जाओ, पर संघ मानने नहीं वाला। अपने आदमियों को भेजकर उसके लड़कियों को ले जाने वाला है। इससे पहले लंच करने के लिए एक जगह पर वो आता है। जैसे कि हमें पता है कि किंग पर सब लोग ज्यादा ही चिड़े हुए हैं। जब वो संघ को देखते हैं तो उन्हें पता है कि संघ किंग के लिए ही काम करता है। लंच करते हुए संघ इन सब बातों को सुनता है। इस टाउन में जब वो था तब उसे एक स्वॉर्ड फाइट करने वाली लड़की दिखी। इसका नाम था डैन ही। डैन ही हमारी और एक मेन कैरेक्टर है। उसने डैन ही को देखा और देखते वक्त ही अपने बचपन की प्यार की उसे याद आ गई। डैन ही बहुत ही ब्यूटीफुल थी। जैसे कि हमें पता है कि लोग संघ को यहाँ हेट कर रहे हैं। जब संघ अकेला स्ट्रीट से जा रहा था तो इन लोगों ने उसे घेर लिया। ये उसे मार रहे थे और मार ही डालने वाले थे, तभी डैन ही उसे आकर बचा लेती है। इस फाइट में संघ बेहोश हो गया था तो डैन ही उसे घर लेकर आई। जब संघ होश में आता है तो डैन ही से पूछता है, इतना अच्छा स्वॉर्ड डांस ये तुमने कहाँ सीखा? डैन ही कहती है कि मैं एक बुचर हूँ, मेरा काम करते करते ही मुझे सब मूव्स आने लग गए। वो संघ से कहती है कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, वो किंग के लिए सर्व करना चाहती है। उसके फादर पर बड़े से डेब्ट है जो चुकाना चाहती है। संघ इसके लिए मानता नहीं क्योंकि डैन ही एक बुचर है, वो किसी बुचर को किंग को सर्व नहीं कर सकता। इसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं लॉर्ड की बेटी को जब संघ लेने के लिए गया तो वहाँ डैन ही थी। एक्चुअल में डैन ही के फादर ने लॉर्ड से पैसे लिए हुए थे। ये पैसे वसूलने के लिए लॉर्ड ने अपनी बेटी की जगह डैन ही को डाल दिया। संघ ये सब देखता है पर इस बार इसे इग्नोर कर डालता है। जब संघ डैन ही को अपने साथ लेकर आया तो एक रात संघ के ही आदमी डैन ही को जबरदस्ती कर रहे थे। संघ ने उनसे डैन ही को बचा लिया। जब संघ के फादर को डैन ही के बारे में पता चला तो संघ से कह रहे थे कि इसे हम किंग के पास नहीं भेज सकते। संघ अपने फादर को समझाता है कि किंग को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। जब पूरे किंगडम की लड़कियां किंग के सामने लाई गई तो किंग बहुत ही खुश हो गया। इन सब लड़कियों की अब ट्रेनिंग होने वाली है। इस सब ट्रेनिंग के लिए इन सब लड़कियों को वो स्कॉलर्स के चेंबर्स में लेकर आता है। ये सब स्कॉलर्स सदियों से बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं, सही से हिस्ट्री मेंटेन करते हैं। अब इनके चेंबर्स में इन सब लड़कियों को रखा जा रहा है तो ये बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाते हैं। संघ के राइवल पार्क के पास जाकर किंग की सब कंप्लेंट करते हैं। अभी तो एक किंग को कुछ भी नहीं कर सकते, पर जब सही टाइम आएगा तभी स्ट्राइक करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सब लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है, किंग को किस तरीके से रिझाना है, क्या करना है जिनसे इनकी एक्टिविटी मोस्ट प्लेजरेबल हो। एक दिन किंग के सामने इन सब की टेस्ट ली जा रही थी। इनके सामने बहुत सारा खाना रखा हुआ था, इन सब को कुछ चूज करना था। इसके बारे में उन्होंने उसे क्यों पिक किया इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना था। इसमें सीओ और डैन ही भी है। सीओ जब फूड चूज करती है तो बहुत ही सेक्सुअल फूड है। किंग जब सीओ को देखता है तो उसे वो बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद डैन ही का चांस आता है। संघ ने डैन ही को ऑलरेडी बताया हुआ है किंग थोड़ा सा पोएटिक है, अगर अपनी पोएट्री से तुम उसे रिझाओगे तुम्हारा वो दीवाना बन जाएगा। संघ को किंग का फेवरेट फूड भी पता है जो डैन ही को बता देता है और डैन ही वही फूड चूज करती है। किंग इससे इम्प्रेस्ड हो जाता है। किंग उससे पूछता है, तुमने यही फूड क्यों चूज किया? डैन ही कहती है, इसे खाना बहुत ही सोरोफुल था। यहाँ एक कविता करती है जिससे किंग की आंखों में आंसू आ गए। इस सिचुएशन से हम देख सकते हैं सीओ और डैन ही ये दोनों किंग के फेवरेट बन चुके हैं। एक्चुअल में संघ हमेशा डैन ही को किंग को रिझाने के लिए ट्रेनिंग देता है। एक रात यही चल रहा था तो डैन ही को डांस करने के लिए कहता है। ये स्वॉर्ड डांस जब डैन ही करती है तब संघ रियलाइज करता है बचपन में वो जिससे प्यार करता था ये डैन ही है। ये दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे, पर संघ के फादर ने उन दोनों को जुदा कर दिया क्योंकि डैन ही के फादर एक ट्रेटर थे। डैन ही के फादर को मार डाला गया था, उसके बाद वो गायब हो गए। संघ अब रियलाइज करता है डैन ही उसका बचपन का प्यार है। इसके बाद हम देखते हैं किंग के साथ इंटीमेट होने से पहले इन सब लड़कियों को एक इम को इम्प्रेस करना पड़ेगा। जब सीओ इम को इम्प्रेस करने के लिए जाती है तो अपना व्यू देखकर उसे इम्प्रेस कर डालती है। जब डैन ही का चांस आया तो ये इम उसे डिसरिस्पेक्टफुल बात कर रहा था। डैन ही ने कुछ प्रेशर पॉइंट दबाया जिसकी वजह से उस इम को डिसफंक्शन हो गया। इस पर वो बहुत ही चिढ़ जाता है तो डैन ही कहती है, किंग कभी भी इस तरह से मुझसे बात नहीं करेगा। ये इम उसे मारने वाला था पर संघ ने डैन ही को बचा लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि डैन ही को संघ लड़ाई करने के लिए भी ट्रेन कर रहा था। डैन ही संघ से पूछती है कि तुम मुझे ट्रेन क्यों कर रहे हो?
क्या इसके पीछे तुम्हारा और कोई रीजन है? उसे पता है इसंग उसे लाइक करता है। वो उससे पूछती है, तुम्हारी फीलिंग्स की वजह से तुम मुझे किंग को नहीं देना चाहते। ये सीन यही खत्म होता है और नेक्स्ट सीन में हम संग के फादर को एक इम से बात करते हुए देख सकते हैं। इस इम को पता चल चुका है डैन ही एक बुचर की बेटी है। अब रात में जो भी सब लड़कियां टेस्ट में पास होकर आगे गई है, ये सब किंग के लिए डांस कर रही थी। इस डांस में डैन ही भी किंग के लिए एक स्पेशल डांस करती है। अपने फादर को मारने के लिए किंग से बदला लेना चाहती है। उसके हाथ में स्वॉर्ड था, जाकर वो किंग को मारने वाली थी तभी उस पर एक एरो चल गया। संग ने इस एरो को नोटिस किया और डैन ही को बचा लेता है। वो खुद थोड़ा सा हर्ट हो गया था। एक्चुअल में ये एरो चलाकर डैन ही को मार डालने का ऑर्डर संग के फादर ने दिया था। वो नहीं चाहते किंग की डैन ही की वजह से बदनामी हो। संग को इसके बारे में पता चल जाता है। जब ये दोनों इस पर बात करते हैं तो फादर संग पर बहुत ही चिड़े हुए है। उसे डांटते हैं क्योंकि डैन ही को फेवर करता है। संग कहता है कि किंग मेरे सामने कुछ भी नहीं है। वो किंग को ओवरथ्रो करना चाहता है। उसके फादर इसके लिए उसे मना करते हैं। तो संग कहता है कि आप हर बार किंग को ही फेवर करते आ रहे हो। संग की मदर को फादर ने किंग को ऑफर कर दिया था, इसी वजह से उसकी मदर ने पॉइजन पीकर खुदकुशी कर ली थी। संग किंग से बदला लेने वाला है। रात में संग डैन ही से मिलने के लिए आया। उसे कहता है, तुम किंग को मारना क्यों चाहती हो? डैन ही अब कन्फेस करती है, अपने फादर का वो बदला लेना चाहती है। डैन ही मानेगी नहीं तो संग कहता है, मेरी पावर में तुम्हें रोकने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, तुम्हें किंग को मैं मारने नहीं दे सकता। सन डैन ही से प्यार करता है तो वह हर्ट हो जाए, ये वो नहीं चाहता। किंग पर हमला हुआ तो जो भी सस्पेक्टेड लोग थे इन सबको बंदी बनाया गया। अब सब लोगों को सबक सिखाने के लिए उनकी वाइफ को एरो दिया जाता है। अपने खुद के हस्बैंड पर ही एरो चलाने के लिए किंग इन वाइफ्स को मजबूर करता है। एक वाइफ अपने हस्बैंड को बचाने के लिए किंग से कहती है कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। किंग उसके साथ इंटीमेट होता है पर फिर भी उसके हस्बैंड को मार डालता है। वाइफ जब ये देखती है तो खुद सुसाइड कर लेती है। ये जो भी सब हुआ तो किंग इससे बहुत डिस्टर्ब हो गया था। डैनी कुछ उल्टा सीधा ना करे इसलिए संग उसे इस कॉम्पिटिशन से बाहर निकाल देता है। डैनी के कंपेरिजन में सिर्फ सीओ है तो उसे भी निकाल दिया गया था। इसके बाद सीओ फिर एक बड़े इम के पास गए। उसने इस इम को कन्विंस किया कि उसे फिर से इस कॉम्पिटिशन में डाल दिया जाए। जब किंग को डैन ही और सीओ के बारे में बताया जाता है तो किंग चाहता है कि इन दोनों में एक फाइनल कंपटीशन हो। इसमें से कौन बेस्ट है ये फिर डिसाइड हो जाएगा। किंग के अब ये डायरेक्ट ऑर्डर है तो संग इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकता। उसके पास अब एक ही अच्छा ऑप्शन है कि डैन ही को ट्रेन करेगा। रात में वो डैन ही को अपने पास बुलाता है, उसे पूरा न्यूड कर उसकी एक्यूपेंचर थेरेपी करता है। संग कहता है कि अगर तुम्हें जीतना है तुम्हारे पूरे सेंसेस तुम्हारे कंट्रोल में होने चाहिए। यहाँ पर जब ये बात करते हैं तो संग डैन ही को अपना बनाना चाहता है। डैन ही मर जाएगी पर संग को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक्चुअल में संग के फादर ने ही डैन ही के फादर को मार डाला था, इसलिए उस पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीओ और डैन ही के बीच में आज रात फाइनल कॉम्पिटिशन होने वाला है। किंग इन दोनों को एक दूसरे के साथ ही इंटीमेट होने के लिए कहता है। जैसे कि हमें पता है कि हमेशा वो पेंटिंग बनाता है तो इस बार इन दोनों की वो पेंटिंग बना रहा था। किंग ने यहाँ एक शर्त रखी है। वो कहता है कि जो फर्स्टली फिनिश होगा उसका ब्यूटीफुल सर काट कर मैं विनर को दूंगा। इसके बाद डैन ही और सीओ एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और सीओ इसमें हार जाती है। किंग अब सीओ को मारने वाला था पर डैन ही ने सीओ को बचा लिया। वो किंग से कहती है कि तुम मुझे इसका ब्यूटीफुल हेड देने वाले थे, अगर वो मर गए तो ये ब्यूटीफुल नहीं रहेगी। किंग इस पर इम्प्रेस्ड होता है। वो सीओ की लाइफ स्पेयर करता है, कहता है कि अब सीओ हमेशा तुम्हारे लिए एक सर्वेंट होकर रहेगी। जैसे कि अब हम देख सकते हैं डैनी जीत चुकी है तो वही किंग को अब उसका बेटा देगी। संग डैनी से प्यार करता है तो नहीं चाहता कि वो किंग की बन जाए। नेक्स्ट डे संग किंग के पास गया। उसने उससे रिक्वेस्ट की कि प्लीज डैनी को तुम जाने दो। किंग समझ गया कि संग उससे प्यार करता है। उसे इस बात से बहुत दुख हुआ। ये किंग पागल है पर हमेशा उसे उसकी गलतियां रियलाइज होती है। संग का अच्छा फ्रेंड है तो उसे हर्ट नहीं कर सकता। वो रोने लग जाता है, कहता है कि मैं बहुत ही बुरा हूँ, प्लीज मुझे तलवार लेकर मार डालो। बहुत ही इमोशनल हो गया था और रोने लग गया था तो उसके पास उसकी कंक्यूबाइन नॉक्सू आई। उसे कुछ भी गलत करने से नॉक्सू ने बचा लिया। संग फिर अपने आदमियों को ऑर्डर देता है, डैन ही को जल्दी से इस पैलेस से बाहर लेकर जाओ। डैन ही को ले जा रहे थे, वो आगे चले गए थे तो संग ये चेक करने के लिए जाता है।
जब वो अंदर जाकर देखता है तो इसमें डैनी है ही नहीं। डैनी ने अपनी जगह सियो को भेज दिया था। अब पैलेस से संग बहुत ही दूर है और रात हो चुकी है। ये वही रात है जब डैनी किंग के साथ इंटीमेट होने वाली है। संग पैलेस तक पहुंचने का बहुत ट्राई करता है पर वो लेट हो चुका है। डैनी किंग के पास पहुंचती है और उससे इंटीमेट होने लग जाती है। डैनी ने किंग को एक रिडल पूछा जो किंग सॉल्व कर रहा था। इसमें किंग बिजी था तभी किंग के बेड के पास जो चाकू था डैनी ने निकाल लिया। वो किंग को मारने ही वाली थी तभी संग के फादर ने उसे रोक लिया। डैनी की सब हिस्ट्री निकलवाई जाती है। वो अपने फादर की तरह एक बुचर के साथ रह रही थी। इन बुचर को बुलवाया जाता है और उन्हें वो मार डालते हैं। डैनी के सामने उसके फादर की स्कल भी लाकर फोड़ दी जाती है। किंग को संग और उसके फादर पर भी शक चला गया था। किंग ने सही से इंक्वायरी की तब उसे पता चला संग और उसके फादर ने किंग को उसकी मदर के जो क्लॉज दिए थे उसके मदर के थे ही नहीं। यानी कि किंग को उन्होंने कहा था कि आपका पूरा दरबार आपके खिलाफ है, ये सही नहीं था। संग और उसके फादर गिड़गिड़ाने लगते हैं। किंग से कहते हैं कि आप जो भी कहोगे वो हम करने के लिए रेडी है। किंग फिर संग को एक पेन और इंक देता है। कहता है कि डैनी के ब्लड से इस इंक को तुम भर कर आओ। संग ने वैसा ही किया। डैनी के पास गया, उसे बहुत सारे वार किए। डैनी के ब्लड की इंक उसने किंग को ला कर दी। इसके बाद हम देखते हैं कि संग सीओ के पास गया। सीओ को उसने कहा कि डैनी अभी भी जिंदा है, मैंने उस पर इस तरह से वार किए थे कि वो मरे ना, पर वो बहुत ही ज्यादा इंजोर्ड है। सीओ फिर डैनी को पहले से बाहर ले जाकर उसका इलाज करवाती है। अब सब चीजें नॉर्मल हो चुकी थी। संग ने फिर से किंग का ट्रस्ट एक्वायर कर लिया था। संग ने फिर एक प्लान बनाया कि किंग को ओवरथ्रो करने वाला है। उसके राइवल पाक के साथ भी वो मिल गया। उसने कहा कि हमें अगर किंग को ओवरथ्रो करना है तो एक साथ काम करना ही पड़ेगा। उसने फिर एक रात किंग को आइसोलेट कर दिया। किंग बहुत ही ड्रंक था तो संग के साथ वो हैंग आउट कर रहा था। संग किंग को एक आइसोलेटेड चेम्बर में लेकर गया, उसे वहां बंद करने वाला था। किंग को सब कुछ समझ में आ गया। संग किंग को उंगलियों पर नचा रहा था। किंग कहता है अगर तुम राजा बने तो मुझसे बेटर नहीं कर पाओगे, हम दोनों इविल है, हम दोनों एक अच्छे किंग नहीं है। संग भी इस बात से एग्री करता है। वो किंग को बंद कर चला गया और उस पर उसने पिक्स छोड़ दिए। पाक के आदमी जब पैलेस पर हमला करते हैं तो पैलेस के सब लोग भी पाक के साइड में हो जाते हैं। इसके पैरेलल में हम देखते हैं डैनी भी अब ठीक हो चुकी थी। वो डायरेक्टली पैलेस में आकर किंग को मार डालने वाली थी। जैसे कि हमें पता है कि संग अपने आप को भी दोषी मानता है, उसने किंग का मास्क पहन लिया था। जब डैनी किंग को मारने के लिए गए तो उसे ज्यादा वो रेजिस्ट कर नहीं रहा था। बाद में डैनी को पता चल गया कि जिसे मार रही है वो किंग नहीं है तो ये संग है। वो संग से पूछती है तुम ये क्या कर रहे हो। संग कहता है कि मैं भी बहुत ही घटिया आदमी हूँ, मुझे भी मर जाना चाहिए। डैनी कहती है कि तुम्हारे मर जाने से तुम्हें कोई भी सजा नहीं मिलेगी, तुम्हें जिंदा रहकर अपनी गलतियां सुधारनी चाहिए। ये जब दोनों बात कर रहे थे तो संग के फादर भी वहां आ गए। फादर संग से पूछते हैं कि तुम किंग के चेम्बर में क्या कर रहे हो। इन्हें फिर पता चल जाता है संग ने क्या किया है। वो भी अब कहते हैं कि किंग को हम ऐसा जिंदा नहीं छोड़ सकते, उसे जाकर मार कर आते हैं। वो डैनी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। संग कहता है कि मैं भी किंग नहीं बन सकता, वो इसके लिए सही नहीं है। फादर उसे कहते हैं कि डैनी की वजह से तुम ये सब कह रहे हो, अगर वो मर जाएगी तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वो डैनी को मारने के लिए जा रहे थे तो संग अपने आप को स्वॉर्ड से इंजोर कर लेता है। फादर अभी भी नहीं मानते। वो डैनी को मारने वाले थे तभी पाक ने आकर डैनी को बचा लिया। पाक संग का वही राइवल है जिसने इस पैलेस को लेने में उसकी मदद की है। संग अब मरने वाला है तो पाक उससे उसकी लास्ट विश पूछता है। संग कहता है कि डैनी को यहाँ से बहुत दूर लेकर जाओ, उसे कोई भी ढूंढ ना पाए। इसके बाद हम देखते हैं किंग को ढूंढने के लिए कुछ लोग गए। वहां वो देखते हैं किंग ने सब पिक्स को मार डाला है। किंग जिंदा था पर उसकी पूरी पावर चली गई थी, उसके बाद उसे बैन कर दिया गया। ये जो सब स्टोरी थी यह हमें सीओ बता रही थी। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि एक आदमी स्वॉर्ड डांस कर रहा है। जब इसका मास्क उतरता है तब यह संग ही है। यानी कि संग ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी पर वो बच गया था। उसने पहले ही अपनी विश की थी डैनी को दूर भेजा जाए। क्राउड में हम डैनी को भी देख सकते हैं। अब उसने संग को एक्सेप्ट कर लिया है। अब संग और डैनी एक साथ है तो इसी तरीके से इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना भी मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।